तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का एग्जाम इसी मंथ में है या आने वाले मंथ में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हो रहे हैं और नए सिलेबस पर आधारित हैं। तो आपको वीडियो को क्या करना है, एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए आज की इस टेस्ट को, यानी कि आज इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हाँ, ये आपके अपने आप सभी के लिए मैंने वेबसाइट बनाई है, अभी तक इसको ओपन नहीं किया है, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट को आप ट्रिपल सी से रिलेटेड ट्रिपल सी के क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलेंगे। तो एक बार इस वेबसाइट को ओपन जरूर करिएगा, आप वहां से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये फेसबुक पेज है, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन होना चाहते तो ज्वाइन हो जाइए हमसे, ठीक है। तो चलिए आज की टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है, लिब्रा ऑफिस में सेल एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो भैया, लिब्रा ऑफिस जिनको नहीं मालूम मैं उनको बता दूँ, लिब्रा ऑफिस एक ट्रिपल सी के एग्जाम में नया सिलेबस ऐड हुआ है, जिससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जितना भी हो सके आप लिब्रा ऑफिस से क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। लिब्रा ऑफिस के लिए मैंने भी स्पेशल क्लासेस बनाई हैं, जिसमें सभी सारे क्वेश्चन लिब्रा ऑफिस के ही हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से वो सारी वीडियो देख लीजिए। आई होप आपको पूरी तरह से हेल्प मिलने वाली है। तो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैंने इसे टॉप लेवल पे रखा है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यदि आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप बेशक बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक है कंट्रोल प्लस सी, बी नंबर कंट्रोल प्लस एफ टू, सी नंबर है एफ टू, डी नंबर थ्री। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ टू, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चनों को आप लिखना चाहते हैं तो अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लासेस ज्वाइन करिए, अगर आपके फ्रेंड अगर कोई ट्रिपल सी एग्ज़ाम देने किसी का एग्ज़ाम है तो उसको भी वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए। और हाँ, अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर भी जाके आप वहाँ से डायरेक्ट बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW के लिए पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था। ए नंबर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी नंबर सफारी, सी नंबर मोजिला और डी नंबर है मोजाइक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, मोजाइक। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगा, आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड की डेट भी आ गई, आप लोगों ने एडमिट कार्ड साइट डाउनलोड ही कर लिया होगा, तो आप लोगों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब जल्दी से जल्दी बस प्रिपरेशन करना, आप लोगों को तैयारी करना है बस। अगर आप ये क्वेश्चन माइंड में सेट कर लेंगे तो आई होप आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप में एन का क्या अर्थ है। ए नंबर है न्यू, बी नंबर नॉर्मल, सी नंबर न्यू एज, डी नंबर नन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर न्यू एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है। ए नंबर पीर टू पीर, बी नंबर पावर ऑफ प्रोटोकॉल, सी नंबर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, डी नंबर नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आपको सिमिलर ऐसे ही और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो आप उनको ना करेक्ट करके जो सही है उसको करेक्ट करिएगा। जैसे पीओपी का फुल नेम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी कि एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा परिवर्तन या कोड अनुवाद किस लेयर का प्रयोग करता है। देखो, एक नंबर है फिजिकल लेयर, बी नंबर है नेटवर्क लेयर, सी नंबर है प्रेजेंटेशन लेयर, डी नंबर है डेटा लिंक लेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप बेशक बता सकते हैं। आप लोगों के पास कुछ टाइम है, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 5 सेकंड का टाइम है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको मालूम है तो। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है प्रेजेंटेशन, फिलहाल इंग्लिश हिंदी दोनों में होते हैं एग्जाम के क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम में देखने के मिलेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों होते हैं, जो आपको सेलेक्ट करना होगा लैंग्वेज उसमें आप
आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में मैसेंजर किससे संबंधित है? ए नंबर है गूगल, बी नंबर फेसबुक, सी नंबर इंस्टाग्राम, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। मैसेंजर आई होप आप सभी यूज ही करते हैं, फेसबुक तो मैसेंजर भी यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर फेसबुक। ठीक है, ये फेसबुक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि निम्न में से किस कंपनी द्वारा सर्वप्रथम QR कोड यूज किया गया था? तो नंबर एक है फोन पे, बी नंबर पेटीएम, सी नंबर गूगल पे और डी नंबर पेपल। ठीक है, तो QR कोड आप लोगों ने देखा ही होगा, QR कोड के बारे में मालूम ही होगा, जो आप लोगों को स्कैन किया जाता है, ठीक है, वही होता है QR कोड, ऐसे रहता है और उसमें आपको ऐसे ऐसे कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, QR कोड होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, तो उसे ही बोलते हैं QR कोड। तो उसको सर्वप्रथम किस कंपनी ने यूज किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर, पेपल ने यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में संदेश कहाँ होता है? तो नंबर एक है मेल बॉक्स, बी नंबर सेंड बॉक्स, सी नंबर इनबॉक्स, डी नंबर आउटबॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईमेल से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईमेल के लिए मैंने भी स्पेशल क्लासेस बनाई है, नहीं देखा है तो देख लीजिए चैनल पे जाके। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर इनबॉक्स। ठीक है, इनबॉक्स में आपके संदेश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिनक्स में डिफ़ॉल्ट यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर क्या होता है? जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मीडिया प्लेयर होता है जिससे वीडियो ऑडियो आप सॉन्ग सुन सकते हैं? ठीक है, तो नंबर एक है, नंबर एक आपको मिल जाएगा जीनोम, और बी नंबर PLC, सी नंबर विंडो प्लेयर और डी नंबर VLC प्लेयर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, जीनोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट कीज यूज की जाती है या कौन से शॉर्टकट कीज प्रयोग की जाती है? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो नंबर एक है Ctrl+Z, बी नंबर Alt+F, सी नंबर है Ctrl+Shift+J, डी नंबर Shift+J। तो फुल स्क्रीन, जैसे कि आपने क्लर्क यानी एक्सेल, MS ऑफिस में बात किया जाए तो क्लर्क का मतलब होता है एक्सेल, तो एक्सेल में आप फुल स्क्रीन करने के लिए क्लर्क में क्या करेंगे, कौन से शॉर्टकट कीज यूज करेंगे? सी नंबर Ctrl+Shift+J, ये शॉर्टकट की यूज करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी, ट्राई जरूर करिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होता था या प्रयोग किया गया था? तो जो पहली पीढ़ी होती है उसमें आप लोगों को मालूम ही होगा किसका यूज किया गया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को इसका राइट आंसर भी मालूम होगा, फाल्स हो जाएगा क्योंकि ये तो सेकेंड पीढ़ी में यूज किया गया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CD ROM एक रिमूवेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी नंबर, ट्रू, CD ROM एक रिमूवेबल डेटा स्टोरेज है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CUI यानी कि CUI ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किस के लिए माउस की आवश्यकता नहीं होती? CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, CUI का फुल नेम होता है क्या, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, तो उसमें माउस की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विंडो XP प्रयोग करने में अधिक सरल है? तो विंडो XP 7 के पहले का वर्जन था। ठीक है, विंडो XP, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, XP थोड़ा इजी था, उसको चलाना भी आप लोगों को अच्छे से, थोड़ा सरल था उसको चलाना, ऐसा भी कह सकते हैं आप तो, लेकिन जो अब पहले से विंडो 7 चला रहे थे शुरू से ही, उनको अगर XP दे दिया जाए तो नहीं चला पाएंगे, जिनको जो लोग XP चला रहे थे विंडो XP और उनको 7 दे दिया जाए तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन कुछ ही दिन में ट्रेंड हो जाएंगे, कुछ ऑप्शन इधर उधर होते हैं, कुछ एडवांस ऑप्शन होते हैं, बस यही डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डपैड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। अब भैया क्यों हो जाएगा ये मैं आपको बता दूं, वर्ड प्रोसेसिंग तो भाई बिन वर्ड यानी कि MS वर्ड को भी किया जाता है, कहा जाता है, लेकिन वर्ड पैड को भी, तो वर्ड पैड में वर्ड यहाँ पर भी मैक्सिमम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड पैड को भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कह दिया गया है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन कीज F2 का प्रयोग रीनेम के लिए किया जाता है, जैसे भी कोई फाइल या फोल्डर किसी को भी आप कोई नाम दे दिया, जैसे कि लिख दिया वहाँ पर CCC, अब आप वहाँ कंप्यूटर लिखना चाह रहे हैं उस फोल्डर पे या उस फाइल पे, तो आप वहाँ पर F2 की होती है कीबोर्ड में, उसको प्रेस करेंगे
तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं नाम, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंडो एक्सपी को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया, तो जो विंडो एक्सपी था उसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल के नाम को बदला जा सकता है, जैसे कोई भी नाम है, मैंने भी ऊपर बात ही की, जैसे कोई फोल्डर नेम चेंज करना होता है तो F2 प्रयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी मतलब सिमिलर है कि एक फाइल के नेम को हम बदल सकते हैं, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल बार विंडो में सबसे नीचे होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाल्स, क्योंकि जो टाइटल बार होता है वो कहाँ पर होता है, टॉप पे होता है, यानी कि सबसे ऊपर होता है, इसलिए फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्ट प्लस ई से फाइल मेनू एक्टिव होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोगों के पास अभी 5 सेकेंड का टाइम है। ठीक है, तो चलिए बताइए आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ही बताना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर आपको देना है कि ये ट्रू होगा या फाल्स होगा, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको मालूम होगा तो। ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर भी जाके वहाँ पर बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, देख सकते हैं आप। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेरी है CCC से रिलेटेड, तो बेशक आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।